वेलकम टू माय गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम क्लास में हैं और बच्चे अभी आ ही रहे हैं क्लास में, यहाँ से देखना जाते हुए देखेंगे। इसको कुछ ना कुछ खराब करना ही है हर चीज़ में, या तो वीडियो में रील में खराब करेगा। अच्छा 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 नहीं लगता, अच्छा 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 नहीं लगता। हाँ ठीक है ठीक है। और कुछ? और इसी की तरह तो हमारे साथ के बच्चों का दिमाग खराब होते हुए हम टीचर का वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास रैप टा पड़ेगा। और ये पीछे लड़की को कवर करो या बेटर कोई एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। ओए देख कितना अच्छा आसमान आ रहा है, वाओ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मैं ये कह रही थी कि अभी हमारी क्लास खत्म हुई है और फर्स्ट क्लास हमारी खत्म हुई है और हम धूप सेकने आए थे वैसे तो, बट धूप ही नहीं है, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। और इन्होंने डॉगीज की रग मारी हुई है बेचारे, छोटे छोटे बच्चे लाचार उठा रहे हैं उन्हें। बेटा छाल नहीं मार रहे। और अभी धूप आ गई, ये देखो कहाँ है सूर्य दादा, दिख नहीं रहे बट धूप आ रही है फिर जा रही है। और इन लोगों ने बहुत ही बुरे हाल कर रखे हैं उनके। हेलो व्लॉग, वेलकम टू माय गाइस। तो अब मैं आपको अच्छे से मिलवाती हूँ खुद से, क्योंकि मैं सुबह सुबह क्लास में थी तो मैं एनर्जेटिकली आप सभी को हेलो नहीं कर पाई क्योंकि क्लास में यू नो एक डेकोरम होता है, ठीक है। तो मैं ये बोल रही थी कि हमारी क्लास, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ मैं पता ही नहीं है। अरे कॉल आ रही है बीच में, इधर मैडम इधर एक कपड़े चल रहा है उनको ऐसे देख रही है। पता नहीं यहाँ बच्चे बैठने आ रहे हैं या पार्क में बैठने आ रहे हैं या पढ़ने, चुगलिया नहीं करते जेडी नो बैड बैड। तो अरे कुछ तो बोलो, समझ नहीं आ रहा क्या बात करनी है। One hour later. अरे बस भाई बस कर ले, कैमरा ऑन होते ही बात। कैमरा ऑन है? हाँ ऑन है ऑफ कोर्स। तो मैं थोड़ी थोड़ी सब्जी दिख रही है यहाँ बिकॉज दिस इज आवर लंच टाइम। और मेरी पूरी प्लेट दिख रही है, अगर तुम्हारी प्लेट दिखेगी कोई बात नहीं, आकांक्षा की प्लेट दिखनी ज़रूरी है अभी मेरे ऐसे। तो मेरा चांद सब ऊपर दिख रहा है, मेरा चांद सब ऊपर दिख रहा है बात से। हाँ नहीं नहीं इतनी इंपॉर्टेंट से नहीं क्यों पता है। तो आज हमारे फैस में क्या बना है? वैसे मैंने कुछ बोला है वो सिर्फ आपने सुना है। मैं तो वैसे भी उनसे बात कर रही हूँ। आज हमारे मेस में बनी है एक टाइप की सब्जी और पता नहीं कौन सी दाल, इसमें दाल थी नहीं, दाल मखनी में दाल थी नहीं। मैं और आकांक्षा वहाँ ढूंढते रहे बस, ये थोड़ी थोड़ी जो इसमें तरी अंदर चली है ये दाने बचे। हमने बहुत ही मेहनत करी नहीं मिली है, थोड़ी है उससे से काम चला लेंगे कोई बात नहीं। बहुत ठंड है आज, मुझे अभी इससे बात करनी होगी। हेलो व्लॉग, वेलकम टू माय गाइस। तो हम सुबह सुबह लंच में देख रहे आदि आज क्या लाया लंच में, अचार इतना सारा तो अचार पनीर ही करते हैं। वाओ, हेलो व्लॉग, वेलकम टू माय गाइस। जेड ने मुझे ये सिखा दिया, मुझे इतनी गंदी आदत पड़ी है ना ये बोलने की, मैं हमेशा यही बोलती हूँ। तो जैसे कि हम अभी अपने क्लास में पहुँच चुके हैं और ठंड के मारे बड़ी बुरी हाल हो रहे हैं, बहुत ठंड है, हवा चल रही है बहुत ठंडी। मैं ये अचार ट्राई करने जा रही हूँ जो कि सब्जी की तरह है, बहुत सारा भेजा हुआ है इसकी मम्मी ने। मैं को खिलाऊं? हाँ ये सब्जी की तरह खाया जा सकता है, ज्यादा खट्टा नहीं। और ना आज हमारी यूनिवर्सिटी में शाम को फंक्शन भी है। किसका? किसी मूवी की स्टार कास्ट आ रही है जो मैं जानती भी नहीं हूँ से किसी को। और क्या देखते हैं शाम को क्या होगा उस फंक्शन में,
छह बजे से शुरू होता है बस में भाई, हीटर और ब्लोअर और ये सब एक तरह, बट सर्दियों में धूप सेकने का मजा एक अलग तरह। इंटेलिजेंट ओहो कैसे झांकी हो तुम, इतना मजा आता है ना धूप सेकने का यार। जैसी एक क्लास खत्म हुई वैसी मतलब गोले की स्पीड में हम बाहर आ जाते हैं धूप सेकने। ये जो 2 मिनट के लिए नागिन का रूप धारण किया था ना मेरे को शब्द नहीं आता, गोले की रफ्तार से हाँ हम जाते हैं धूप सेकने। ऊपर से ये हवा, इसने काम खराब कर रखा है बहुत ज्यादा। शीतलहर और बहुत ही ज्यादा शीतलहर। हाँ इसने पता क्या क्या आदि ने शुरू शुरू में, हाँ शुरू शुरू में क्या क्या इसने आदि ने कि मैं अटेंडेंस ले थी, सर ने मुझे बोला कि क्लास की ना अटेंडेंस लगाओ और जी मैंने पैक्ट खोल लिया पिछले 10 मिनट से अटेंडेंस लगी जा रही है, आधी क्लास तो अटेंडेंस नहीं लग जाती है। जो क्लास इकट्ठी बैठी है तो बहुत टाइम लग रहा है अटेंडेंस। तो दोस्तों फाइनली हमारी क्लास हो चुकी है खत्म, पर अब हम आ चुके हैं अपनी क्लास के बाद। हर पीरियड के बाद अरे जाओ यार, हर क्लास के बाद हमारा होता है लंच ब्रेक। खाना खाने के बाद हम वापस आ चुके हैं अपनी प्यारी सी स्कूल में और यहाँ पे तैयारी तो ऐसे कर रहे हैं, ये शाम के फंक्शन जैसे पता नहीं शादी लगी हुई है। तो इतना स्टाफ लेबर इतना सारा कभी नहीं आया, स्पेशल स्टार कास्ट है क्या, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। पैसा आ गया है यूनिवर्सिटी वालों पर, हमारे पैसे ले लेंगे। काफी अच्छे एक्टर्स है, ये वाली स्टार कास्ट सच्ची में बनी है। ये देखना कितने सारे लोग हैं, सब सोच विचार कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो, बट हमें क्या, हमें तो यहाँ धूप सेकने हैं। ये देखो जो शाम को फंक्शन है उसकी तैयारी शुरू हो गई है। और जिनके लिए सेटअप लग रहा है वो ये स्टार कास्ट आ रही है। टाइम पास नहीं हो रहा था हमारा तो हमने सोचा कि हम क्यों ना मेहंदी लगा ले हाथ में, जे डी लगाएगी मेरे हाथ में मेहंदी और इतना शोर आया ना आज यार हम छी यार। ये थोड़ी वो करने की कोशिश कर रही है, ये पीछे प्रियांशु भैया को देखना जादू जैसे विचार। ये गोले तो तैयार हैं, अब देखते हैं ये आगे कितना पहुंचेगा। और अब ये कुछ फूल जैसा अभी बन ही गया है, हमारी आर्टिस्ट पूरी मेहनत के साथ जद्दोजहद के साथ काम करते हुए। हवा से पिक्चर उड़ती हुई, फूल पत्तियां भी तैयार हैं। सो माय मेहंदी इज कंप्लीट और धूप में बड़ी अच्छी लग रही है, सूखने के बाद और अच्छी लगेगी। शुक्रिया चेडी इस सुंदर मेहंदी के लिए। अरे इट्स ओके यार, थैंक यू फॉर दैट। हमारा मेन इधर है, लीड इधर है हमारा, निकाल देती हूँ अरे थोड़ी देर रहने दो, अभी नहीं सूखी वो प्रॉपरली। संतरा संतरा तो रहा दिखाना। हाँ मेरी गाड़ी चढ़ जाएगी देखना, मैं आपको कल दिखाऊंगी, बहुत गाड़ा अभी के लिए बाय। Much, much, much later. I know we'll never know.
मेरी जान तेरे विच वसदी।